सो हेलो गाइस, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है SMD के एक और नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज के वाले इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स नहीं देने वाला, आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने दोस्तों का अमेज कर सकते हो बहुत ही ज्यादा। तो ये ट्रिक क्या है, तो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरा जो राइट फायर बटन है वो लेफ्ट साइड की तरफ से मैं ड्रैग कर रहा हूं और मेरा जो जॉयस्टिक है वो राइट साइड की तरफ है, अभी आप देख सकते हो। तो ये मैंने कैसे किया, आप लोग भी कैसे कर सकते हो, और ये कोई भी एडिटेड नहीं है, ये एक ट्रिक है जो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इंट्रो की तरफ चलते हैं, इंट्रो के बाद आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ कि जॉयस्टिक राइट साइड में सेव नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको हम लोग राइट साइड में कैसे सेव करें, इसके लिए ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, चलिए देखा देता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो जॉयस्टिक है इसका जो साइज रहेगा ना, इसको थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है। बड़ा के आपको क्या करना है, राइट साइड में फिर लेके सेव के बटन में टैप कर देना है, हालांकि सेव नहीं होगा। और उसके बाद क्या करना है, साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, मतलब पहले से भी छोटा कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, सेव के बटन में टैप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में हमारा जॉयस्टिक चला गया है। तो ये आप कर सकते हो जॉयस्टिक राइट साइड में लेने के लिए, ठीक है। सो काफी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारा जॉयस्टिक अगर राइट साइड में होगा तो हम लोग जॉयस्टिक यूज कैसे करें। तो इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब भी आप जॉयस्टिक के साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ टच करोगे तो जॉयस्टिक अपने आप ही वहां पर चला जाएगा, और जब भी आप फिंगर को उठाओगे या फिर छोड़ोगे जॉयस्टिक को तो अपने आप ही वो राइट साइड में दोबारा चला जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। सो अभी बता दो, आप फायर बटन को कैसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल इस तरह से जो मैं कर रहा हूँ। सो गाइस, इतना सीक्रेट टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक करो इस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, हमारा 300 के बहुत ही जल्द होने वाला है। सो अभी ट्रिक की तरफ बढ़ जाते हैं कि लेफ्ट साइड से ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जो राइट फायर बटन है इसको बस क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको ड्रैग कैसे करना है लेफ्ट साइड से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना जो लेफ्ट थंब है उससे फायर बटन को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद राइट थंब से अपने राइट साइड के स्क्रीन को ड्रैग करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। तो ये मेरा ट्रिक आप इस्तेमाल करो और प्रैक्टिस करो, और अपने दोस्तों या फिर लोगों को चौंका सकते हो अपने गेम प्ले से, ठीक है ना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।